अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। दरवाजा क्यों बंद करी मिंटी? तुम यहाँ क्यों आई हो मिंटी? तुम्हें अलविदा कहते। क्या? हाँ, मैं हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से जा रही हूँ। तुम्हें बिंदिया के साथ जिंदगी मुबारक हो। प्यार करने लगी थी तुमसे, पर तुम्हारी जिंदगी में तो मैंने कोई जगह ही नहीं है। तो क्या करूंगी, रुक के चली जाऊंगी तुम्हारी जिंदगी से दूर हमेशा हमेशा के लिए। मैं सही फैसला लिया मिंडी, मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूं, मैं सिर्फ सिर्फ बिंदिया का। हाँ, समझ गई हूं मैं, इसलिए तो जा रही हूं। बस जाने से पहले एक बार तुम्हारे गले लगना चाहती हूं मैं, बाकी की जिंदगी बिताना आसान हो जाएगा। प्लीज प्लीज मिंडी, मेरी सारी सब बकवास मत करो। अगर जीने का इतना सहारा भी नहीं दे सकते तो मर जाने दो मुझे। मिंडी ये क्या कर रही हो? अलविदा अभय। शायद अगले जन्म में तुम्हारी बन पाऊं। मिंटी, ये क्या कर रही हो तुम? मिंटी छोड़ो इसे। मिंटी अबे छोड़ो प्लीज। मिंटी छोड़ो, छोड़ो मिंटी। पूरी जिंदगी को सह लूंगी अब। मिंटी देखो, मिंटी तुमने वो प्रेगनेंसी का नाटक क्यों किया ये मैं नहीं जानता, लेकिन मैं बस इतना ही कहूंगा कि अपनी जिंदगी में आगे जरूर बढ़ना। ये सारी बातें झूठ है बिंदिया, मिंडी खुद मेरे कमरे में आई थी ये कहने के लिए कि वो मुंबई वापस जा रही है, और जाने से पहले बस एक बार गले लगना चाहती है। तो सीएम साहिबा के बेटे ने तरस खा के गले लगाया था। मैं नहीं जानता था कि कोई छुपके से फोटोज दे रहा है बिंदिया। हम शौक ये फोटोज भी ये मिंडी नहीं खिंचवाई है। देखिए इसकी हरकत, मेरी बहन को ब्लैकमेल करने के लिए पहले खुद फोटो खिंचवाई, और जब मैंने पर्दाफाश कर दिया तो ये कह रहे कि मिंटी ने फोटो खींची थी। और कितना गिरोगे यहाँ पे आप लोग मुझे बताइए,
मेरी बहन खुद की इज्जत क्यों सरेआम नीलाम करेगी? इसने फोटो खींची अपने गंदे इरादों का अंजाम देने के लिए। आप कब से चुप हैं? आप ही ने कल रात को दरवाजा खोला था ना? आप ही ने मुझे भाई के कमरे में भेजा था। बोलिए सबको। सच बोलिए सीएम साहिबा, क्या आपने अभय और मिंटी को साथ में देखा? हाँ, कल रात ये दोनों साथ में ही थे। सीएम साहिबा ने भी खुद सच कबूल कर लिया। अब आप लोग बताइए क्या करना चाहिए इस आदमी का? आपने क्या सोचकर ऐसी हरकत की थी मिस्टर अभय? आपको क्या लगा था कि सच्चाई सामने नहीं आएगी? इतना सब कुछ होने के बाद भी मैं अपनी बहन मिंटी की शादी अभय के साथ कराने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि वो अभय से सच्चा प्यार करती है। इस अभय को मिंटी के साथ शादी करनी होगी, वरना मैं दिल्ली जाके सीएम को और सीएम के परिवार को तड़ीपार करवा दूंगा। बोल, करेगा शादी अगले 4 दिनों में? अगर सीएम का बेटा ये सिलसिला करेगा तो शहर की कौन सी लड़की सुरक्षित रहेगी? ये तो घोर कलयुग होगा मिस्टर अभय भारद्वाज। एक तरफ तो एक याददाश्त खोने वाली औरत को आप अपनी बीवी बोलते हैं और दूसरी तरफ उस लड़की से शादी से इनकार करके उसे ब्लैकमेल करते हैं। हमें अपने बेटे को ही फंसाना पड़ रहा है। अब आप ऐसा नहीं करोगी तो सीएम की कुर्सी चली जाएगी। बेटा थोड़ा बदनाम हो यही अच्छा है ना, बजाय इसके कि आप बदनाम हो जाए और सीएम की कुर्सी छीन ली जाए। अब आप ये पिक्चर्स नहीं खींचती तो मैं तो चला देती आपका वीडियो रिपोर्टर्स के सामने, वही वाला जिसमें आप बिंदिया को धक्का दे रही हैं। देखिए बिंदिया सरकार सोमवार से रविवार शाम 7 बजे दंगल प्ले ऐप पर।